भूगोल का वृतांत। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने दया करके मुझसे स्वयंभू मनु के कुल का वृतांत कहा। अब मैं आपके कमल मुख द्वारा समस्त भूमंडल का वृतांत सुनने की कामना रखता हूँ। हे मुनिवर, जितने भी समुद्र, द्वीप, वर्ष, पहाड़, जंगल, सरिताएं एवं देवताओं आदि की नगरियां हैं, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जैसा और जो आधार है तथा जो उत्पादन कारण एवं जिस प्रकार का आकार है, उसका वृतांत कहिएगा। श्री प्राशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, मैं सबों का वृतांत कहता हूँ। जैसे सविस्तार इनका वृतांत 300 साल से में भी पूर्ण नहीं हो सकेगा। सातों द्वीप जिनके नाम हैं जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रोंच, शाक, पुष्कर, इनके चारों तरफ खारे जल, इक्षु रस, मदिरा, तग्र, दधि, दुग्ध, मीठे जल के समुद्र हैं। हे मैत्रेय, इन सबके बीच में जम्बू द्वीप है तथा उसके भी केंद्र में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम सुमेरु पर्वत है। यह पर्वत पृथ्वी में 16,000 योजन धसा हुआ है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। ऊपर भाग में इसका विस्तार 32,000 योजन है। इस तरह यह पहाड़ तलेटी में 16,000 योजन है। धरती पर यह कमल की एक कर्णिका के सदृश है। इस पहाड़ की दक्षिणी दिशा में हिमवान, हेमकूट तथा निषिद्ध स्थित है और इसकी उत्तर दिशा में नील, श्वेत, श्रृंगी नाम के वर्ष पर्वत विद्यमान हैं, जिनके द्वारा अलग अलग वर्षों का विभाग हुआ करता है। उनमें निधन नील पहाड़ 1,100,000 योजन तक फैले हुए हैं। इनके दूसरे दूसरे 10,000 योजन तक पर्वत हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमवान, श्रृंगी 80,000 योजन तक फैले हुए हैं और सभी पर्वत 2,000 योजन ऊंचे और 2,000 योजन चौड़े हैं। हे विप्र, मेरु पहाड़ की दक्षिणी दिशा की तरफ पहला भारतवर्ष स्थित हुआ और दूसरा किम पुरुष वर्ष तथा तृतीय हरिवर्ष वर्तमान है। उसके ऊपर की तरफ पहला रम्यक, फिर हिरण्यमय और फिर उत्तर कुरुवर्ष स्थित है, जो दीप मंडल की सीमा पर स्थित होने के कारण भारतवर्ष के सुदृश्य धनुष के आकार वाला है। हे विप्र, इसमें प्रत्येक 9,000 योजन के विस्तार वाला है और इन सब के मध्य में ईलावृत वर्ष स्थित है, जिसमें सुमेरु पर्वत नाम का पहाड़ स्थित है। हे महाभाग, सुमेरु पर्वत के चहुं ओर ईलावृत वर्ष 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चहुं ओर पहाड़ हैं। ये चारों पहाड़ सुमेरु पर्वत को टिकाने वाले भगवान की बनाई हुई कीलियों की समान है, क्योंकि बिना इसके नीचे से संकरा तथा ऊपर से फैला हुआ होने के कारण सुमेरु पहाड़ के गिरने की आशंका बनी रहती है। इनमें से पूर्व दिशा में मंदराचल है, दक्षिण दिशा में गंधमादन स्थित है और पश्चिम दिशा में विपुल तथा उत्तर दिशा में सुपार्श्व। ये सब के सब ऊंचाई में 10,000 योजन है। इन सब के ऊपर 100 योजन ऊंचे वट, पीपल तथा जामुन कदब के पेड़ उगे हुए हैं। जम्बू नामक द्वीप के कारण जामुन के पेड़ का नाम जम्बू है। उसके फल विशाल गजराज के सदृश बड़े हुआ करते हैं। जब वे फल पेड़ के से टूटकर पहाड़ के ऊपर गिरते हैं तो वे फटकर चारों तरफ फैल जाया करते हैं। उन फलों के रस से निकली हुई जम्मू नाम की विख्यात नदी प्रवाहित होती है, जिसके जल को वहाँ के निवासी पीते हैं। उसको पीने से वहाँ के वासियों को इंद्रिय क्षय, बुढ़ापा, दुर्गंध, पसीना, पीड़ा नहीं पहुँचाते। उस नदी के किनारे की मृतिका में जम्बू रस से मिलकर वायु के हल्के हल्के बहाव से सूखने पर स्वर्ण उत्पन्न हो जाया करता है, जिसको जम्बू नद स्वर्ण कहते हैं। यह सिद्ध पुरुषों का गहना है। मेरु पहाड़ की पूर्व दिशा की ओर भद्रावश्य वर्ष है तथा पश्चिम दिशा में केतु माल वर्ष स्थित है, जिन दोनों के मध्य में ईलावृत वृष वर्तमान है। इसी तरह उसी पूर्व दिशा की तरफ चैत्र रथ, दक्षिण दिशा की ओर गंधमादन, पश्चिम दिशा की ओर वैभराज तथा उत्तर दिशा की ओर नंदनवन है, और चार सरोवर जिनके नाम अरुणोदय, महाभद्र, असितोद, मानस है, स्थित हैं। हे मैत्रेय, मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में केसराचल, शीतांब, कुमुद कुररी, माल्यवान और वेकर्क आदि पहाड़ हैं।
उसके दक्षिण की तरफ त्रिकुट, शिशिर, पतक, रूचक तथा निषाद है। शिखवासा, कपिल, गंधमादन, वेदर्य, जारुधि नाम के केसर पहाड़ हैं और मेरु पर्वत के निकट इलाव्रत, वृष, जठर आदि देशों में शंखकूट, नाग, हंस, ऋषभ, कालंज नामक केसर पर्वत स्थित हैं। हे मैत्रे, मेरु पर्वत के उत्तर अंतरिक्ष में 14,000 योजन विस्तार मय ब्रह्मपुरी और उसके ऊपर इंद्र आदि लोकपालों के एवं विदिशाओं में रमणीक और प्रसिद्ध 8 नगर स्थित हैं। वहां से चंद्रमंडल का प्लावित करके चारों ओर दिशा से स्वर्गलोक में गंगा जी ब्रह्मपुरी में गिरा करती हैं। वहां गिरने के बाद वे चारों दिशाओं में 4 विभिन्न नामों से सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा के नाम में बट जाया करती हैं। सीता नामक गंगा जी की धारा पूर्व दिशा की ओर आकाश मार्ग द्वारा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर निकलती हुई अंत में भद्र शव वर्ष पार करके सागर में जा मिलती है। अलकनंदा की धारा दक्षिण की ओर भारत वर्ष में आकर 7 भागों में बटने के बाद सागर में मिलती है। इसी तरह गंगा जी की चक्षु धारा पश्चिम में संपूर्ण पहाड़ों पर जाती हुई केतुमाल वर्ष में प्रवाहित होकर अंत में समुद्र में गिर जाती है। इसी प्रकार उत्तर दिशा के पहाड़ों पर भद्रा नाम की धारा उत्तर कुरु वर्ष में बहकर उत्तर के सागर में जा मिलती है। उत्तर दिशा में माल्यवान, गंधमादन पर्वत दक्षिण दिशा में निषिद्ध नीलांचल पहाड़ तक फैले हैं। उन दोनों के मध्य में मेरु पहाड़ है। हे मैत्रे, भारत केतुमाल भद्राश्व कुरु वर्ष मर्यादा पहाड़ों के वही भाग में स्थित हैं। यह इस लोक पद्य में पल्लवों के प्रकार हैं। देवकूट तथा जठर उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर नील एवं निषद पहाड़ तक फैले हुए हैं और दोनों मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर गंधमादन तथा कैलाश पहाड़ है जिसका विस्तार 80 योजन है और ये सागर के अंदर वर्तमान है। पूर्व की तरह मेरु पर्वत की पश्चिम दिशा की ओर निषद तथा परियात्र नाम के 2 मर्यादा पहाड़ वर्तमान है। उत्तर दिशा की ओर जारुधि तथा त्रिशंग्र नामक के वर्ष स्थित हैं। ये दोनों पहाड़ पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर सागर में खड़े हैं। इस प्रकार मेरु के चारों तरफ शीतांदी जो पर्वत स्थित है उनके मध्य में अति सुंदर कंदराएं निर्मित हैं। उन्हीं में उपवन रमणीय नगर बसे हैं तथा उनके देवता जैसे विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, अग्नि आदि के मंदिर हैं जिनकी सेवा सदैव किन्नर आदि किया करते हैं। वहाँ सदा यक्ष, गंधर्व, दैत्य, राक्षस आदि क्रीड़ा करते रहते हैं। ये सभी जगह पृथ्वी के स्वर्ग भीम हैं और धर्म प्रवृत्ति वाले पुरुषों के निवास स्थान हैं। इनमें पाप कर्म करने वाले पुरुषों के निवास स्थल हैं। इनमें पाप कर्म करने वाले पुरुष 100 जन्मों से भी जन्म नहीं ले पाते। हे विप्र, भद्राश्व वर्ष में श्री विष्णु जी हयग्रीव स्वरूप में रहते थे। वे केतुमाल वर्ष में वाराह रूप में निवास करते हैं एवं भारत वर्ष में श्री हरि करम स्वरूप में निवास करते हैं। अंत है श्री विष्णु भगवान जगत रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। हे महाभाग, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष स्थित हैं उनमें शुद्धा, उदेग, श्रम, शोकादि का भय नहीं है। वहाँ के निवासी समस्त पीड़ाओं से मुक्त होकर 10-12,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उन लोकों में कभी वर्षा नहीं हुआ करती और न वहाँ त्रेता आदि युगों की सृष्टि होती है। इन समस्त वर्षों में 7-7 कुल पर्वत वर्तमान हैं। इनसे निकल कर सैकड़ों नदियाँ बहती हैं। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।